मुरादाबाद में पिछले कई दिनों से सोशल पर बिजली विभाग के अधिकारियों का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठे व्यक्ति पर लात घूसों से मारता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो की जांच करने पर सामने आया ये बिजली विभाग के एसडीओ की गुंडागर्दी है, जो बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों के ऑफिस में लगे सीसीटीवी में कैद हुई, जो वायरल है। सड़क पर मारपीट होने की घटनाएं तो अक्सर सामने आती ही रहती हैं, जो सीसीटीवी पर भी सामने आती हैं और पुलिस के लिए सहायक सिद्ध होती हैं। एक ऐसा ही सीसीटीवी वीडियो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वीडियो कटघर थाना इलाके में स्थित बिजली दफ्तर का बताया जा रहा है। थाने के पीछे स्थित बिजली दफ्तर में हुई गुंडागर्दी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जो अब वायरल है। इस वीडियो की गहनता से जाँच करने के लिए जब हमने उक्त बिजली दफ्तर से संपर्क किया तो पता चला कि ये 28 अगस्त 2020 की शाम 5:15 बजे का है और डिवीजन 3 के एक्सियन ग्रिजेश प्रताप के ऑफिस का है। वीडियो में सामने की कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे वही अधिकारी हैं और कुर्सी और लात घूसे चलाने वाला व्यक्ति दबंग एसडीओ राजवीर कटारिया है, जो वर्तमान में पीतल नगरी बिजली घर पर तैनात है। और दबंग जिन पर जानलेवा हमला कर रहा है वो भी बिजली विभाग के एक एसडीओ ही हैं, जिनका नाम ब्रजेश कुमार है, जो सीतापुरी बिजली घर पर तैनात है। वायरल वीडियो की जांच करते हुए हमने पीड़ित एसडीओ से संपर्क किया तो उन्होंने मिलकर पूरे मामले से और घटना को विस्तार से बताते हुए कहा कि 4 महीने से अधिक हो गए हैं, उन्होंने अपने अधिकारियों को पूरे मामले में शिकायत दर्ज करा दी थी। पीड़ित एसडीओ ने बताया कि उनके पास कुछ लोगों की जांच आई थी, जिसे बदलवाने के लिए राजवीर कटारिया दबाव बना रहे थे, जिस मामले को लेकर उस दिन एक्सियन के ऑफिस में हम दोनों लोग मौजूद थे, जहां पर पहले तो राजवीर कटारिया ने गाली गलौज की और फिर अचानक उन पर हमला बोल दिया और उन्हें जमीन पर गिराकर मारा। इस घटना के समय ऑफिस स्टाफ के साथ साथ उच्च अधिकारी भी मौजूद थे। घटना की शिकायत विभाग के बड़े अधिकारियों तक उसी समय कर दी गई थी, लेकिन अभी तक उन्हें नहीं पता चला कि क्या कार्यवाही हुई है। जहां तक पुलिस में शिकायत करने की बात है तो नहीं की गई थी। सब क्या नाम आपका? ब्रजेश कुमार। एक वीडियो वायरल है कल से, उसमें आप भी हैं, आप विक्टिम हैं, आपके साथ मारपीट हो रही है, क्या मामला? थोड़ा सा डिटेल्स थोड़ा बताइए क्या है। वो मेरी जो साथ घटना घटी है वो एक जांच पे थी कि उसमें जांच में जो है एसडीओ साहब के द्वारा साक्ष्य जो है हटा दिए गए थे, तो उस पर आपत्ति थी, तो मेरे एक व्हाट्सएप पे थोड़ी चैट हुई थी आरोप प्रत्यारोप की जो है थी। और अगले दिन मैं आईजीएस कंप्लेंट क्लोज कराने गया था तो अचानक उन्होंने अटैक कर दिया था, इसी जांच पे जो वो आरोप मेरे पर लगाया गया है। और फिर मैंने वो लिखित में एक्शन साहब को दे दी थी तुरंत, और एस सी साहब ने उसकी जाँच गठित कर दी थी। जो कुर्सी उठाकर मार रहे हैं वो कौन है, नाम आप बताएं, कौन जो आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं? वो राजवीर कटारिया हैं, राजवीर सिंह कटारिया, उपखंड अधिकारी पीतल बस्ती। तो आपने कोई कंप्लेन की है कहीं? हाँ, मैंने एस सी साहब को जो है वो लिखित में पूरा दिया हुआ है और एमडी तक साहब तक कॉपी कुछ आई हुई थी। कोई पुलिस कंप्लेन हुई अभी तक? पुलिस तो नहीं, मैंने पहले विभाग पे अपने भरोसा कराया इसलिए मैंने कंप्लेन पुलिस में नहीं करी। घटना कितने दिनों अभी तक? ये 28/8 की घटना थी 2020। 4 महीने लगभग हो गए। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद कोई कुछ कोई कार्रवाई आपकी तरफ से अगर से कुछ हुआ हो? नहीं, मैंने तो अपना लिखित में दे दिया था, अभी मुझे उसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं, उस बारे में तो ऐसे सारी बता पाएंगे।